हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे स्टडी चैलेंज का 5th डे और काफी खुश हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप कंटिन्यू करते जाते हो स्टडी वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी हाई होता जाता है। तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर पा रही हूँ, अपना जो भी टारगेट सेट कर रही हूँ डे टू डे का उसे कंप्लीट कर पा रही हूँ। आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने जो अपना नोट्स बनाया था वो क्रांतिकारी घटनाओं में जो हमारे थे वो सब कंप्लीट हो गए थे टॉपिक। तो कल हमने क्रांतिकारी घटनाओं तक कंप्लीट किया था अपना नोट्स। अब आगे आज लखनऊ अधिवेशन और उसके आगे भी हमारी जो भी टॉपिक होंगे वो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग भी अपनी स्टडी करते रहिए क्योंकि दिन एक एक दिन करके बीतता जा रहा है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों के पास। तो बस अपने लक्ष्य पे फोकस करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। फ्रेंड्स, आज हमने 2 क्लास कंप्लीट किया हिस्ट्री में। पहला था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो था राष्ट्रीय आंदोलन का 3य चरण यानी कि गांधी युग। असर ने लिखवाया 1919 से 1947। बहुत सारे लोग 1917 से 1947 तक को गांधी युग मानते हैं। तो सबके अपने अपने थॉट हो सकते हैं क्योंकि कुछ 2-3 सत्याग्रह आपको जो देखने को मिलते हैं वो 1919 से पहले देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से जो भी टीचर आपको जैसे पढ़ाते हैं जैसे समझाते हैं एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम लोग ये तो जानते ही हैं कि 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था वो गांधी जी के सहयोग से पूरा हुआ था, गांधी जी उसका नेतृत्व किए थे। तो ऐसे जो भी सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में किए गए थे वो सब कुछ सबने पढ़ा है। तो बस सर एक डायरेक्शन के लिए लिखवाते हैं टाइमिंग ताकि हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, तो इस वजह से सर अपने हिसाब से लिखवा दिए हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें हैं उन्होंने पहले से समझाया, पहले से बताया। तो आज के क्लासेस में लिखना कम था, आज के क्लासेस में ज्यादा सर के लेक्चर थे। तो 2 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन लगाते हैं। रीजनिंग में हमारे 5 लेक्चर थे कैलेंडर से, जो कि कल मैंने 2x पे करके एक क्लासेज अपनी कंप्लीट की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। आज हम 2 क्लासेज कंप्लीट करेंगे 2x पे करके क्योंकि आज हमने हिस्ट्री के कम क्लासेज रखे हैं। साथ में अपने नोट्स का हम रिवीजन भी करते चलेंगे क्योंकि इतनी नोट्स हमारी लगभग इकट्ठा हो गई है। और यही होता है जब आप बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेते हो तो लास्ट में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि तब बहुत ज्यादा ऐसे बोझ लगने लगता है कि पता नहीं कंप्लीट होगा नहीं होगा। आगे से पढ़ते जाते हो पीछे से भूलता जाता है, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो जैसे जैसे टॉपिक हमारा कंप्लीट होता जा रहा है मैं टॉपिक वाइज चीजों को दोहराती जा रही हूँ और उसके साथ साथ में मैं अपने क्वेश्चंस लगाती जा रही हूँ, जो कि मैं घटना चक्र से क्वेश्चन लगा रही हूँ। तो जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं। और बीच में जैसे जनजातीय वाला चैप्टर है, बहुत सारे संन्यास विद्रोह हैं, ये सारी चीजों को सर ने स्किप कर दिया है कि जब हम एंड करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का तब उस टाइम पे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो जैसे जैसे सर जिस सिक्वेंस से पढ़ाते जा रहे हैं उसी सिक्वेंस से मैं प्रैक्टिस करती जा रही हूँ। तो अभी हो चुकी है हमारी क्लास कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं लगा लेते हैं क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अगर क्वेश्चन लगाते जाते हैं तो उसका मुझे लगता है बेनिफिट ज्यादा होता है क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार टारगेट लिया था क्वेश्चन का कि आज मुझे 150 क्वेश्चन लगा लेने, 200 क्वेश्चन लगा लेने हैं। तो इस तरीके से मैंने कर करके क्वेश्चन लगाए थे लेकिन उसका मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला था। और जब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाती जाती हूँ तो क्योंकि उससे रिलेटेड लेक्चर मैं ले चुकी हूँ, उससे रिलेटेड नोट्स मैं बना चुकी हूँ, तो जब मैं क्वेश्चन लगाती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है, ऐसे बहुत पॉजिटिव लगता है कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं आपके तो वो कॉन्फिडेंस जो हाई होता है उसकी वजह से, क्योंकि सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही। अगर पेपर पेन का खेल होता तो पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है, हर कोई नौकरी पा जाता। लेकिन सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो कई बार कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं। और जैसे एग्जामिनेशन हॉल से आप बाहर निकलते हैं आपको लगता है अरे ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, तो मुझे आ रहा था। तो सारा गेम कॉन्फिडेंस का ही है। तो जिस सीक्वेंस से सर पढ़ा रहे हैं कुछ टॉपिक बीच में छोड़ दे रहे हैं लेकिन जब हम घटना चक्र सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो टॉपिक सर ने नहीं पढ़ाए उसको बाद में पेंडिंग में रखा है। तो वहां से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं क्योंकि उस पॉइंट्स को हम अपनी नोटबुक में अभी नहीं लिख सकते हैं। जो स्पेस हमने छोड़ा है सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन के सोल्यूशन अगर कुछ मुझे नए मिलते हैं, कुछ नए पॉइंट्स उसमें होते हैं तो उसको एड करूंगी। तो ऐसे करके मैंने अपना प्रैक्टिस कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट देने की, ताकि इस बार का जो गेम हो वो मेरे पाले में आए। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हो ना तो एक फीलिंग्स होती है जो आपको समझ में आता है कि मैंने जो तैयारी किया था वो कितना सधा हुआ था और कितना सटीक निशाना लगा है मेरा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि अपना बेस्ट देने के बाद जो सेटिस्फैक्शन होती है वो वही इंसान समझ सकता है जो दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई करता है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करके आता है तो वो जो रिलैक्स माइंड होता है ना, जो लोगों को फेस करने का एक जज्बा होता है कि हाँ मैंने जो किया है वो अच्छा किया है। तो डियर, आपने पूछा था कि आप अपना पॉलिटी कहाँ से कंप्लीट करती हैं, किस बुक से पढ़ती हैं। तो पॉलिटी के लिए मैं भी लक्ष्मीकांत ही फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है कि लोक सेवा आयोग का जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं लगभग सबके पास लक्ष्मीकांत ही होगा, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट अभी तक मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं लक्ष्मीकांत ही फॉलो करती हूँ। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत भी है। अगर लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लिया जाए, साथ में अपना नोट्स बना लिया जाए और उसका बार बार रिविजन करते रहे, इनफ प्रैक्टिस करते रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा पॉलिटी का क्वेश्चन बाहर जाता है। क्योंकि पॉलिटी के नंबर अब क्वेश्चन बहुत कम होते हैं हमारे पेपर में, और जितने होते हैं वो कवर हो जाते हैं आपके लक्ष्मीकांत से। उससे अगर आप नोट्स बनाते हो या फिर कहीं आप पढ़ रहे हो, कोई टीचर नोट्स बनवा रहे हैं, तो पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होते, पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आ गए हम छत पे, और ये देखो यार केरी लगी हुई है, लेकिन बचपन में हम लोग बहुत खाते थे, अब तो मिलता ही नहीं है। देखो कितनी सारी केरियां लगी हुई है, कितना प्यारा मौसम हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा 10 मिनट छत पे टहल लेते हैं, आए थे कपड़ा लेने के लिए, और इस टाइम पे सूर्यास्त हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर केरियां, बचपन में हम लोग बहुत खाया करते थे केरियां, लेकिन अब तो मिलती ही नहीं है। अब उतने बगीचे भी नहीं रहे जितना पहले थे। तो अभी मैं यहाँ पे गाना सुनूंगी और छत पे थोड़ा देर 5 से 7 मिनट टाइम बिताऊंगी, उसके बाद जाऊंगी नीचे, क्योंकि मुझे इस टाइम पे छत पे आना बहुत पसंद है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जग नहीं पाती हूँ, और जगती भी सुबह में मैं आ नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सुबह में अगर अर्ली मॉर्निंग में जग गई हूँ तो जल्दी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि जल्दी से हमारी स्टडी टाइम से कंप्लीट हो जाए। ये ना भागम भाग रही कि ये टाइम नहीं बचा है मेरे पास, और आज कुछ कमी रह गई। तो मैं सोचती हूँ कि जो चैलेंज हमने लिया है वो कंप्लीट करें, क्योंकि हम अक्सर अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं, कभी भी ऐसे चैलेंज जल्दी नहीं लेते हैं, लेकिन अगर लिए हैं तो उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। और इसी वजह से छत पे आना मेरा बहुत कम हो पाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम में 5 से 7 मिनट आ जाया करूँ छत पे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। ये झंडा देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हवा अच्छी चल रही है। तो अभी मैं छत से आ गई हूँ नीचे, और अपने नोट्स का करूंगी रिवीजन अभी। तो आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो। तो बचपन मेरा ऐसे बीता है ना कि लोग हर कदम पे मुझे डराने की कोशिश करते रहे हैं। तो हमेशा से मैं वीर रस की जो कविताएं होती हैं उधर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मेरा रहा है, या वीर रस के भाव वाले गाने जो होते हैं उसको सुनना मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ 1-2 गाने मैं सेलेक्ट करके रखी हूँ जो मैं हमेशा सुनती हूँ, जिसमें वीर रस के भाव हैं। और कविता तिवारी एक करके हैं, बहुत अच्छी कविता गाती हैं वो, उनकी कविताएं मैं सुनती हूँ। मैं जब भी लो फील कर रही होती हूँ, कुछ टाइम के लिए जैसे सब कुछ दिमाग से निकल जाता है और बहुत एनर्जेटिक फील करने लगती हूँ। मुझे मूवी वगैरह उतना पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं मूवी नहीं देखती हूँ। आज तक मैंने अभी जो अपने प्रिपरेशन वाले टाइम पीरियड में मैंने 3 मूवी देखी है, पहला सुल्तान, दूसरा दंगल और तीसरा 12th Fail। उसके अलावा मैं कोई मूवी नहीं देखी हूँ, ना मुझे मूवी देखना उतना पसंद है। तो इस वजह से मैं वीर रस की कविताएं सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ या पढ़ना पसंद करती हूँ। तो कुछ मैं अपने आप को एंटरटेन ऐसे करती हूँ। हर किसी का एक अपना कंफर्ट जोन होता है और जरूरी होता है, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स अभी शाम के 7:20 हो रहे हैं, तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। और आगे हमारी 2 क्लास रीजनिंग की होने वाली है, साथ में उसकी प्रैक्टिस होने वाली है। तो रीजनिंग सॉल्व करने में मुझे टाइम लगेगा, तो अब आगे ब्लॉग शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोन से ही हम आगे की अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आज का टारगेट हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे आज के स्टडी शेड्यूल का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी वजह से मैं जब अर्ली मॉर्निंग जगती हूँ तो आजकल बाकी के काम को थोड़ा सा पेंडिंग में डाल के अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में अगर हम 3 से 4 घंटे की स्टडी कर लेते हैं तो इवनिंग के टाइम में स्टडी करना मेरे लिए आसान होता है। तो अभी हमारी काफ़ी हद तक टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बचा है 2.5 घंटे का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और रीजनिंग में 2.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा आज कैलेंडर वाले टॉपिक को कंप्लीट करने में। तो चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फाइनली आज का टारगेट भी हमारा होता है कंप्लीट। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।